नाम सबको पता है मैं। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोगों ने स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ा था, वेइंग मशीन के बारे में पढ़ा था, और आज हम लोग एक मासिव रूप के बारे में पढ़ेंगे, एक ऐसे रूप के बारे में जिसके पास मास होता है। ठीक है, सो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टेंशन इन द रूप एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द एंड वेयर फोर्स एफ इज अप्लाइड। मतलब इस एंड पे, इस रूप पे एक फोर्स एफ अप्लाई किया जा रहा है। ये रूप है जिसका मास कैपिटल एम है, लेंथ एल है। हमें बताना है कि इस एंड से एक्स डिस्टेंस पर इस रूप में टेंशन कितना होगा। मतलब हमें यहां पर टेंशन बताना है। यहां पर टेंशन का मतलब क्या हो, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था रस्सी में हर जगह टेंशन होता है, बताया था ना, क्योंकि रस्सी के हर दो टुकड़े एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होते हैं। ये बोला था कि नहीं बोला था मैंने, जब मैंने टेंशन पढ़ाया था? यस सर तो मेरे को यहां पर टेंशन निकालना है। मतलब क्या है, अगर मैं इस पीस को टुकड़ा नंबर वन कह दूं, इस पीस को टुकड़ा नंबर टू कह दूं, तो मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि टुकड़ा नंबर वन और टुकड़ा नंबर टू एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? टेंशन का मतलब समझ में आया? टेंशन इन द रोप एट अ पॉइंट का मतलब समझ में आया कि उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट वाला जो जो पीसेस हैं वो एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस वन और टू दोनों का मास निकालना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी डिफाइन करूंगा इस रोप के लिए, मास पर यूनिट लेंथ। क्या डिफाइन करूंगा? मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा। इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, लैम्डा इज इक्वल टू मास बाय एल। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि रोप की थिकनेस यूनिफॉर्म है, रोप की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए हर यूनिट लेंथ में रोप का मास सेम है। ये लेंथ अगर एक्स है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बेटा? एल माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर अगर मैं इसका मास एम वन और इसका मास एम टू बोल दूं, तो क्या मैं कह सकता हूँ एम वन इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एल माइनस एक्स और एम टू इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स एक्स? हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, नाउ लेट्स से ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो पूरा का पूरा रोप है ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए। तो हम अगर एम वन एम टू का डायग्राम बनाएंगे तो कैसा दिखेगा? देखिए, ये रहा पीछे एम वन, ये रहा पीछे एम टू। दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक्ट करेगा ही करेगा। इस पर नीचे लगेगा एम वन जी, इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लगेगा एन वन, इस पर लगेगा नीचे एम टू जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लगेगा एन टू, इस पर आगे फोर्स लग रहा है एफ, और दोनों के बीच में टेंशन टी एक्ट कर रहा है। मतलब एम वन एम टू को अपनी तरफ खींच रहा है, एम टू एम वन को अपनी तरफ खींच रहा है विद टेंशन टी। दोनों का एक्सेलेरेशन आगे की तरफ ए है ना? अब मैं बोलूंगा होल रूप, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यस सर फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक्स, अपवर्ड डायरेक्शन को वाई मान के दोनों की इक्वेशन अलग अलग लिख सकता हूँ, चाहे तो मैं पूरे रूप की इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं फुल रोप की इक्वेशन लिखता हूँ। मुझे पता है वाई डायरेक्शन में सिर्फ मुझे नॉर्मल मिलेगा, तो इसलिए उसका दिमाग नहीं लगा रहा मैं। पूरे रोप के लिए एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ। क्या लिखूंगा? एफ इज इक्वल टू एम ए, दिस इंप्लाइज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ बाय एम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, इस एम वन के बारे में बात करूंगा। एम वन के लिए मैं एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? टेंशन टी इज इक्वल टू एम वन ए, है ना? यही मिलेगा ना? टेंशन टी इज इक्वल टू एम वन ए, इसका मतलब कि टेंशन टी इज इक्वल टू एम वन कितना है बेटा? एम वन है लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स, एम वन है लैम्डा इंटू एल माइनस एक्स टाइम्स एक्सेलरेशन इज एफ अपॉन एम। अब देखो एम कितना है, एम है मेरा लैम्डा एल। ठीक है, तो लैम्डा लैम्डा जो हमने अज्यूम किया था वो मर गया,
आपका टेंशन टी आ गया, आंसर है ना, देयरफॉर टेंशन टी इज इक्वल टू एफ इनटू 1 माइनस एक्स बाय एल, ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत? नो सर। कॉपी कर लो सब लोग फटाफट। फिर वो जो सेकंड वाला आप इक्वेशन लिखे वो M1 का है। हाँ, इस M1 के लिए देखिए, आगे की तरफ टेंशन T लग रहा है, एक्सेलरेशन A है, T इज इक्वल टू M1, ए, कहानी खत्म। ठीक है सर, है ना। तो रोप अगर मैसिव हो तो क्या करना होता है, उसमें हर जगह पे टेंशन सेम होना जरूरी नहीं है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन हो सकता है। आप आंसर में देख सकते हो टेंशन जो है वो एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। तो अब मुझे बताइए, एक एंड पर टेंशन जब x 0 है तो टेंशन किसके बराबर है? F के बराबर है। और जब x L के बराबर हो जाएगा तो टेंशन कितना हो जाएगा? 0 इस केस में। अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन है ना। चलो फिर, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे, मासिव रूप में अलग अलग जगह पे अलग अलग टेंशन हो सकता है, और उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उस रस्सी के टुकड़े करने होंगे। ठीक है सर, एक डाउट, मतलब पिछले चैप्टर से सर डाउट क्लियरिंग क्लास कब होगा? बोला था मैंने संडे को होगा। ठीक है, और ये संडे को? हाँ ओके सर। ओके, तो अब हमारे पास अगला टॉपिक है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ लोग अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो ध्यान देना जरूरी है। देखिए, मेरे पास ये एक कार है या जीप है, जो भी समझ लो। इस जीप में एक आदमी बैठकर जा रहा है, जीप के विंडो से बाहर देख रहा है। ठीक है, इस आदमी का नाम है ए, और दूसरा आदमी जमीन पे खड़ा, ये भी हर जगह देख सकता है। दोनों ने इस जमीन पे रखे हुए स्टोन को देखा, ए ने भी स्टोन को देखा, बी ने भी स्टोन को देखा। ठीक है, ए ने क्या बोला, सॉरी बी ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू बी, अगर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम कहेंगे स्टोन इज एट रेस्ट, क्योंकि बी भी जमीन पे खड़ा है, स्टोन भी जमीन पे पड़ा हुआ है ना। दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन कितना है? जीरो, विच इंप्लाइज इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। तो बी ने इसके एनालिसिस की, कहा कि ये जो स्टोन है, अगर इसका मास मैं एम बोल दूं तो इस पे नीचे लग रहा है फोर्स एम जी, और ग्राउंड ऊपर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स बैलेंस इज एम जी, नेट फोर्स इज जीरो, स्टोन इज एट रेस्ट। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, है ना। yes. अब मैं देखता हूं इसी स्टोन को, जब बी ने ए ने देखा तो क्या कहा, अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग टू ए मतलब
फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए, ए के अकॉर्डिंग ये जो स्टोन है, स्टोन इज एक्सेलरेटिंग बैकवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए, हाँ या ना, क्योंकि ए का एक्सेलरेशन आगे है, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एज सीन बाय ए क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एज सीन बाय ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए दैट इज इक्वल टू जीरो माइनस फाइव दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो मतलब कि पीछे की तरफ माइनस फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये मूव कर रहा है, मतलब पीछे की तरफ एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, है ना। बट अगर स्टोन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इसमें फोर्सेस क्या लग रहे हैं, नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी इम्प्लाइज नेट फोर्स कितना है, जीरो। तो हमने देखा कि इवन दो नेट फोर्स इज जीरो देयर इज सम एक्सेलरेशन, ये दोनों देखकर हम हो गए कंफ्यूज कि अरे न्यूटन्स लॉ का क्या हुआ, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कैसे आया, बिना फोर्स के एक्सेलरेशन आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। जहां से ए देख रहा है इस स्टोन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा फिर भी एक्सेलरेट कर रहा है, वाह वाह वाह, कारनामा हो गया कि नहीं हो गया? गजब का, गजब की चीज हो गई यार, हम लोगों ने जो पढ़ा सब गलत, न्यूटन्स लॉ पूरा का पूरा चैप्टर बेकार हो गया, फर्स्ट लॉ ही बेकार हो गया, है ना? नहीं सर, नहीं, हाँ सर, न्यूटन्स लॉ फेल हो गया भाई, और सच बता रहा हूँ फेल हो गया, न्यूटन्स लॉ गलत साबित हो गया। ये मत सोचो कि न्यूटन्स लॉ कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि न्यूटन ने दिया था, गलत हो रहा है, सामने दिख रहा है, कहानी खत्म। सच्ची सर? हाँ मैम, आई एम नॉट जोकिंग, जनरली मैं ऐसी बातें मजाक में करता हूँ पर यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, साफ साफ बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, न्यूटन्स लॉ सच में गलत हो गया सर। हाँ सर, न्यूटन्स लॉ तो डिफाइंड है जब हम एक्सेलरेशन जीरो पे है ग्राउंड पे। सुन तो लो तो मतलब क्या है कि न्यूटन्स लॉ यहाँ गलत है, यहाँ वैलिड नहीं बचा, ठीक है। तो मैं इसके आगे कुछ कुछ लिखूंगा बोलूंगा, उसको समझते जाना, फॉलो करते जाना, ठीक है। सो न्यूटन्स लॉ, लॉज ऑफ मोशन आर नो लॉन्गर वैलिड, न्यूटन्स लॉ अब वैलिड नहीं रहा, हमारे सामने हमारी आंखों से ये चीज दिख रही है, ठीक है, वो गलत हो गया, ठीक है, ठीक है। तो हम फंस गए बहुत बड़ी मुसीबत में, हम फंस गए बहुत बड़ी मुसीबत में। क्यों मुसीबत में फंस गए? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो भी पढ़ा सब बेकार हो गया, है ना। तो हमने कहा ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बोला कि हम दो तरीके के रेफरेंस फ्रेम डिफाइन करेंगे, ठीक है। वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स, एक फ्रेम का नाम दिया हम लोगों ने इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरे का नाम दिया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कहा इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, ठीक है। इसका डिफिनेशन क्या है, वो फ्रेम्स
जहां पर न्यूटन्स लॉस वैलिड हो। जहां पर जिस रेफरेंस फ्रेम से देखने पर न्यूटन्स लॉ काम करते हैं उसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं, और जिन रेफरेंस फ्रेम से देखने पर न्यूटन्स लॉस काम नहीं करते उनको हम नॉन इनर्शियल, सॉरी यहां पर न्यूटन्स लॉस वर्क नहीं करते हैं उनको हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। ठीक है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम होते हैं जो कि एक्सेलरेट नहीं कर रहा, दीज आर नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स। मतलब अगर आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है सिर्फ और सिर्फ तभी न्यूटन्स लॉज वैलिड होंगे, अदरवाइज न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। समझ में आया? यस सर। अगर आपका ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट करने लगेगा तो उसके रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं रहेंगे। ठीक है, दीज आर एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स। अगर ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेट कर रहा है तो रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल हो जाएगा, यहां न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार कोई चीज एक्सेलरेट कर रही है या नहीं कर रहा, रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये तो अगर ऊपर वाली बात सिचुएशन को देखोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ए एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बी ने बोला ए एक्सेलरेट कर रहा है, ए ने बोला नहीं बी एक्सेलरेट कर रहा है, लो भैया तलवारें खिंच गई, झगड़ा हो गया, है ना। समझ में आया? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट मोशन और रेस्ट, है ना। हाँ है ना? यस सर। यस सर। तो इसका जवाब क्या है, क्या भैया जहां न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे वहां रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा। ठीक है, और उसको हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहेंगे। समझ में आया? तो अब सोचिए जरा, न्यूटन्स लॉ की औकात घट गई, न्यूटन्स लॉज आर नो लॉन्गर लॉज बट दे आर जस्ट डेफिनेशन ऑफ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, है ना सर। उसका सब्स्टिट्यूट कुछ आएगा नहीं, लेकिन अब हम एक बहुत बड़ी समस्या में पड़ गए कि सर फिर नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, अपनी सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे। अगर हम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हाउ विल वी वर्क, मतलब कुछ ना कुछ वर्क अराउंड तो होना चाहिए ना, कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए जिससे हम प्रॉब्लम्स को समझ पाए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। वो तरीका क्या है, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना दिमाग में कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। तो हमने कहा, देखो हम बहुत बड़ी बड़ी वाली समस्या में फंस गए थे, तो हमने बोला यार देखो ऐसा है, आप सोचिए उस जमाने के बारे में जब न्यूटन ने ये लॉज दिए थे, उससे कुछ दिन पहले गलीलियो को बहुत बुरी तरीके से सजा दी गई थी कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि उसने कह दिया था अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, सन अर्थ के अराउंड नहीं घूम रहा है। उसने सीधे बाइबल को चैलेंज कर दिया था, तो उसको क्या नाम है, उसके ऊपर कुछ एक्शन लिए गए थे, कुछ सजा दी गई थी। उसके जस्ट बाद न्यूटन आया, न्यूटन गैलीलियो का शायद स्टूडेंट था मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, तो जस्ट बाद न्यूटन आया था। अब सोचो न्यूटन को आप, न्यूटन ने जब इतने सारे लॉज दिए, उसके लॉज सारे वैलिड होने लगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होने लग गया, एकदम से साइंस की पॉपुलैरिटी बढ़ी, लोगों ने बोला हाँ भैया वी कैन एक्सप्लेन थिंग्स फ्रॉम बेसिक। ठीक है, हम न्यूटन ने हमें कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जिसके कारण हम चीज़ों को सीधे एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। अभी भी चर्च और साइंटिस्ट के बीच में थोड़ा एंटी तो चल ही रहा था, है ना।
अब सोचो न्यूटन ने कुछ कहा, लोगों ने न्यूटन को हीरो बना दिया, उसको ये सारे साइंटिस्ट बोले नहीं नहीं न्यूटन गलत है, तो चर्च बोलेगा देखो उनको कुछ नहीं पता, सब फालतू बकवास है ना, यही बोलेगा ना चर्च, हमको सब पता है, हमारी किताब में लिखा है ना। तो वो ऐसे झमेले पढ़ाने चाहते थे, इसलिए वो न्यूटन को गलत होने नहीं दे सकते थे। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? न्यूटन गलत हो चुका है, न्यूटन गलत हो चुका है, बट वी कांट लेट न्यूटन गो रॉन्ग, अदरवाइज सोसाइटी 100 साल पीछे चली जाएगी। ठीक है, समझ में आई बात? सो न्यूटन को गलत नहीं होने देने के लिए जुगाड़ बैठाना है। ध्यान दो, न्यूटन्स लॉ की जगह नया लॉ नहीं ढूंढना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फिक्स द न्यूटन्स लॉ समहाउ। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए जुगाड़, क्योंकि साइंस तो काम करेगी नहीं, क्या चाहिए, जुगाड़। तो जुगाड़ क्या लगाया गया, जुगाड़ ऐसे लगाया गया कुछ, इन ऑर्डर टू मेक न्यूटन्स लॉज वैलिड इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वी नीड टू अज्यूम, वी नीड टू अज्यूम, हमें कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, अ स्यूडो फोर्स। अब ध्यान दीजिए, अब स्यूडो फोर्स का मतलब क्या है, स्यूडो का मतलब होता है नकली, ध्यान दीजिए, मतलब हम एक तो गलती को छुपाने के लिए कुछ ऊटपटांग हरकत कर रहे हैं, और जो हम ऊटपटांग हरकत कर रहे हैं उसको छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भैया स्यूडो फोर्स, मतलब हम देखो ऐसा कोई फोर्स है नहीं पर हम मान लेंगे है, और उसके बाद न्यूटन सही हो जाएगा। समझ में आया सर? एक्चुअली स्यूडो फोर्स मतलब है क्या, बता रहे ना, वी नीड टू अज्यूम ए स्यूडो फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द बॉडीज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द रेफरेंस फ्रेम, जिस भी चीज को हम उस रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हैं, हमें अज्यूम करना पड़ेगा उन सारे ऑब्जेक्ट्स पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा है। दिस स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम माइनस, मतलब रेफरेंस फ्रेम के मोशन के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फोर्स कितना होगा, ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड बाय दैट एक्सेलरेशन। कहने का मतलब ये है कि इस केस में हमें पता था ऑब्जर्वर आगे जा रहा है, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 5 m/s² से, तो हम अज्यूम करेंगे इस, जब ये ऑब्जर्वर देख रहा है इन रेफरेंस ऑफ ए, हम अज्यूम करेंगे ये जो स्टोन था जिस मास एम का, इस पे पीछे की तरफ एक फोर्स लग रहा है एम ए, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से, स्टोन का मास एम है, तो स्टोन का मास इंटू रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन उल्टा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो इसको लास्ट में कॉपी करना, पहले बाकी का कॉपी कर लेंगे फिर मैं और इस पे चर्चा करूंगा। सर हाँ सर, पहले से कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट ऊपर का पार्ट। हाँ वही कह रहा हूँ, शुरुआत से कॉपी कर लो, अरेंज करके दे दे रहा हूँ। ओके सर।
कैमरा थोड़ा ऊपर करिए मेरे को, मैं जैसे आगे आ रहा हूँ कट जा रहा हूँ, बस ठीक है। जस्ट आदित्य, टुमारोज टेस्ट विल बी एडवांस्ड पैटर्न लेवल से, तो ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट पैटर्न एडवांस वाला होगा। हाँ, अभी तक जो टेस्ट आ रहे थे उसके मुकाबले थोड़ा डिफरेंट लेवल होगा, इतना इजी टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, कॉपी हो गया? नहीं सर, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू ए वहां पर है। सर प्लीज एक बार ऊपर कीजिएगा पेज, एक बार सर इस साइड, मतलब क्या लिखे थे। ठीक ठीक है, सर हो गया कॉपी। ये डिफरेंस कॉपी हो गया? यस सर। ठीक है, कॉपी हो गया? यस सर। हुआ कॉपी? यस सर। ओके, देखिए अब देखो, ये जो स्यूडो फोर्स है ये किसने अप्लाई किया हमारे स्टोन पर?
हमारे स्टोन पर ये शुरू फोर्स अप्लाई किसने किया, कोई बताएगा? कोई नहीं सर, किसी ने नहीं। हाँ किसी ने नहीं। सो दिस स्यूडो फोर्स हैज नो सोर्स, नोबडी अप्लाइड दिस स्यूडो फोर्स, ठीक है, नोबडी अप्लाइड दिस स्यूडो फोर्स। सो दिस द रिएक्शन ऑफ दिस स्यूडो फोर्स विल बी अप्लाइड ऑन नोबडी, है ना, देयरफॉर इट हैज नो रिएक्शन फोर्स। समझ में आई बात? अरे ये तो नकली फोर्स है ना, असली में थोड़ा लग रहा है, ये तो हम लोगों ने जबरदस्ती अपने मनगढ़ंत फोर्स इजाद किया है। असली में है क्या ऐसा फोर्स? नो सर। तो जब ये किस फोर्स है ही नहीं, किसी ने इसको लगाया ही नहीं, तो इसका रिएक्शन किस पे लगाया? किसी पर नहीं, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ओके बेटा। तो अब अगला भी मुद्दा उठ जाता है यहाँ पर कि सर तो हम क्या कर रहे हैं, ये फोर्स है ही नहीं, इसका रिएक्शन फोर्स है ही नहीं, क्या चल क्या रहा है? तो देखो ये मैथमेटिकल फिक्स है हमारे न्यूटन लॉ को सही करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इवन दो दिस स्यूडो फोर्स इज नकली फोर्स, असली में ऐसा कोई फोर्स नहीं है, मनगढ़ंत फोर्स है, वी कैन स्टिल फील इट, हम इस फोर्स को फील कर सकते हैं। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, कभी तो बोलते हो नकली है, कभी तो बोल रहे हो फोर्स मनगढ़ंत लगा दिया, नकली फोर्स लगा दिया, बाद में बोलते हो हम उसको फील भी कर सकते हैं, चल क्या रहा है ये? तो लॉ ऑफ इनर्शिया बचपन पढ़ा था, क्लास नाइन्थ में पढ़ा था सर, लॉ ऑफ इनर्शिया। हाँ सर पढ़ा था। यस सर। उसमें कौन सा एग्जांपल पढ़ा था सबसे पहले प्रैक्टिकल लाइफ का? गाड़ी चलती हुई, गाड़ी में ब्रेक। सर बस। हाँ चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप बस में खड़े होके जा रहे हो, सडनली ब्रेक लगता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हो, है ना। तो इसको क्लास नाइन्थ में बड़ी ही आपको अच्छे से बेवकूफ बना के एक्सप्लेन कर दिया गया, कैसे आपको लगा, देखो जब बस चल रही थी तो आपके पास वेलोसिटी थी, बस रुक गई सडनली, आपके पास वेलोसिटी बची रही, इसलिए आप उस वेलोसिटी से आगे गिर गए, यही कहा गया था ना लॉ ऑफ इनर्शिया में। हाँ सर। अब मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा यार, जब मैं बस में जा रहा था तो जहां से मैं देख रहा हूं वहां से तो मैं रेस्ट पे था, पूरी बस रेस्ट पे थी जहां से मैं देख रहा हूँ। सोचिए, इमेजिन करिए आपके बस में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा वो कैमरा बंधा हुआ है बस के साथ रुकता है, उस बस में बस बहुत ही स्मूथ रोड पे जा रही है, एकदम कोई झटका नहीं है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई गड्ढा नहीं सड़क पे, बहुत ही स्मूथली सेल कर रही है, वो कैमरा आपको रिकॉर्ड कर, आप एकदम स्टिल खड़े हो, एकदम चुपचाप खड़े हो, बस ब्रेक लगाती है तो बस के साथ साथ कैमरा भी स्लो होगा, हाँ या ना? यस सर। तो कैमरा के रेफरेंस फ्रेम में बस पहले भी रेस्ट पर थी, बाद में भी रेस्ट पर है, हाँ या ना? हाँ सर। कैमरा के रेफरेंस फ्रेम में आप पहले से रेस्ट पर थे, चुपचाप खड़े थे, बस चुपचाप खड़ी थी अपनी जगह पे थी, बेसिकली कमरा था, कैमरा के रेफरेंस फ्रेम से क्या दिख रहा है, एक रूम है जिसमें आप खड़े हो, राइट, यही ना दिख रहा है कैमरे की रिकॉर्डिंग में? यस सर। और एकदम से आप गिर गए, दिखने में अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ सर अजीब लगेगा, लगना चाहिए ना, मतलब यहाँ तो लॉ ऑफ इनर्शिया काम नहीं कर रहा है, वो तो उस कैमरा ने देखा आप खड़े थे फिर गिर गए, बोले ये क्या मजा आ गया, क्यों गिरे पता नहीं, है ना, आया ना? और बचपन आपको बोल दिया गया ये लॉ ऑफ इनर्शिया से हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया से हो रहा है, लॉ ऑफ इनर्शिया से कौन से रेफरेंस में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं,
उस आदमी के रेफरेंस फ्रेम में जो आपको जमीन से खड़ा होकर देख रहा है वो देखेगा कि आप वेलोसिटी वी से जा रहे थे, सडनली बस रुकी तो आप अपनी वेलोसिटी वी से आगे जाते रहे और गिर गए, है ना। जो आदमी जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है वो तो ये कह रहा है, लेकिन जो आदमी जो कैमरा बस में लगा हुआ है, जो ऑब्जर्वर बस से चिपका हुआ है, वो क्या देख रहा है कि आप खड़े थे फिर सडनली गिर गए, वो कंफ्यूज हो गया, है ना। यस सर। तो आपका गिरना इनर्शिया से एक्सप्लेन कर सकता है वो आदमी जो जमीन पे खड़ा है, जो आदमी बस के अंदर बैठ के आपको देख रहा है वो इनर्शिया से एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपका गिरना। तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? बाय यूजिंग सूडो फोर्स। बोलेगा देख भाई मेरा एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, बस ने ब्रेक लगाया तो रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, इसलिए आदमी पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, इसलिए आदमी आगे की तरफ गिरेगा, है ना। आया ना? हाँ सर, है ना, यही उस रेफरेंस में यही दिखेगा ना उसे कि सूडो फोर्स की वजह से गिरा। उसको एक्सप्लेन, वो आपका गिरना, कैमरा आपका गिरना कैसे एक्सप्लेन करेगा? सूडो फोर्स से, और कोई उपाय है ही नहीं उसके पास, है ना। यस सर। तो नाउ इमेजिन जब आप बस में खड़े होकर जा रहे थे तो आप भी तो बस के रेफरेंस में थे, तो आप भी अपने रेफरेंस में कैसे एक्सप्लेन करोगे? सूडो फोर्स से एक्सप्लेन करोगे। अब खुद बताइए कभी ऐसे गिरे हो या आगे की तरफ झुके हो कि नहीं झुके हो? झुके ही होगे। हाँ सर। तो आपको उस वक्त नहीं लगता कोई सच में आपको धक्का लगा रहा है? आपको एक फोर्स फील होता है कि नहीं होता आगे की तरफ गिरते हो? हाँ सर, होता है। वही तो है सूडो फोर्स, वही तो है सूडो फोर्स। समझ में आया? तो इवन दो दिस, इवन दो ये सूडो फोर्स नकली है, बट यू कैन स्टिल फील इट। टू द पर्सन इट फील्स वेरी रियल, द फोर्स इज सूडो, बट टू दैट पर्सन हु इज फॉलिंग इन द बस इट दिस फोर्स फील्स वेरी रियल। हाँ या ना? जब फील हो जाता है तो फिर सूडो क्यों बोलते हैं? क्या जब फोर्स ध्यान फील दो हो जाता है क्योंकि वो फोर्स लगाया किसने? किसी ने नहीं। कौन, कहां है इसका सोर्स? कहीं नहीं। उसके बदले में आपने रिएक्शन फोर्स कहां लगाया? किसी पर नहीं। तो ये कैसा फोर्स नहीं। है? ये कैसा फोर्स है जो किसी ने लगाया फिर भी फील हो गया? नकली फोर्स है, असली फोर्स है ही नहीं। ठीक है, यस सर, चलो कॉपी कर लो। तो सूडो फोर्स मैथमेटिकल है, अच्छी बात है, बट आपको समझ में आ रहा है ना कौन से फोर्स को सूडो फोर्स कहा जा रहा है? कॉपी हो गया? यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ फिर। अब देखो इसके कुछ एप्लीकेशंस। अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट, अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट क्या है? ये एक आदमी है जो वेइंग मशीन पे खड़ा है, वेइंग मशीन लिफ्ट के अंदर रखी है और लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, लिफ्ट ऊपर जा रही है एक्सेलरेशन ए से। मान लेते हैं इसका मास स्मॉल m है, तो इस आदमी पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? मैं पहले इस क्वेश्चन को ग्राउंड रेफरेंस में सॉल्व करूंगा, फिर इसी क्वेश्चन को लिफ्ट के रेफरेंस में सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो ग्राउंड के रेफरेंस में अगर मैं सॉल्व करता हूं तो इस आदमी पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ लिफ्ट लगा रहा होगा, ये वेइंग मशीन लगा रही होगी नॉर्मल फोर्स, और इस आदमी का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, है ना। हाँ है ना? यस सर। तो हम लिखेंगे ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ माइनस मानते हुए, नॉर्मल माइनस
एम जी इज इक्वल टू एम ए, हाँ या ना? यस सर. दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू एम इनटू जी प्लस ए. तो वेइंग मशीन में रीडिंग क्या आएगी, एम इंटू जी की जगह एम इंटू जी प्लस ए रीडिंग आएगी, ठीक है. और क्योंकि हम ग्राउंड से देख रहे हैं, हम क्या कहेंगे, देखो आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसलिए वेइंग मशीन जो है इस पर इसके वेट से ज्यादा नॉर्मल फोर्स लगा रही है, और वो नॉर्मल फोर्स कितना हो जा रहा है, एम इंटू जी प्लस ए के बराबर हो जा रहा है. इसमें कोई आपत्ति किसी को? नो सर. पर अगर मैं इसी बंदे को लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम से देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, समझिए. अगर मैं लिफ्ट के अंदर खड़ा होकर देखता हूं तो इस आदमी के ऊपर नीचे की तरफ लगेगा कितना, एम जी, और एक और सूडो फोर्स लगेगा एम ए, आया ना? आया ना? हाँ सर. और एक नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन ऊपर लगाएगा, है ना. ये लिफ्ट के रेफरेंस में रेस्ट पर है, इसलिए क्या लिखूंगा, नॉर्मल फोर्स माइनस एम जी माइनस एम ए इक्वल्स टू जीरो. दिस इंप्लाइज नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए, है ना. आया ना? तो जब जमीन से खड़े होकर देख रहे हैं तब भी नॉर्मल फोर्स इतना ही आया, लिफ्ट में खड़े होकर देखे तब भी नॉर्मल फोर्स इतना ही आया, इसलिए वेइंग मशीन में रीडिंग जमीन से खड़े होकर देखने में भी इतनी आएगी, लिफ्ट के रेफरेंस में खड़े होकर देखने पर भी इतनी आएगी. ये तो एकदम सही है ना, ये तो बढ़िया है, तो होना भी चाहिए था. ऐसा तो नहीं है ना कि वही वेइंग मशीन है, जमीन से खड़ा होकर देखा तो अलग फोटो दिख रही है और लिफ्ट के अंदर खड़े होकर देखा तो अलग फोटो दिख रही है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. अगर वो होता तो मतलब हम कुछ गलत पढ़ रहे हैं, है ना. Yes. लेकिन दोनों में एक्सप्लेनेशन अलग है. यहां हमने क्या एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मल फोर्स एमजी से बड़ा है, इसलिए ये आदमी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, यही पढ़ा था हमने. यहां पर हम क्या बोलेंगे, यहां पर हम बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर हम बोलेंगे कि आदमी रेस्ट पर है, इसलिए नॉर्मल फोर्स इसका वेट एम इंटू जी प्लस ए को बैलेंस कर रहा है. सो दिस इज योर न्यू वेट, या कहना चाहिए दिस इज योर अपेरेंट वेट. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर फिर से एक बार बोलिए. लिफ्ट में खड़ा होके कोई एक्सेलरेशन तो दिख नहीं रहा, क्या बोल रहा है, नॉर्मल फोर्स वेट को बराबर, वेट को मेजर करता है. अगर आप जमीन पे, अगर आपके कमरे में एक वेइंग मशीन रख दिया है, आप जाकर उस पर खड़े हो जाओगे, तो क्या रीड करेगा, आपका वेट रीड करता है, हाँ या ना? हाँ सर. लिफ्ट में भी अगर वेइंग मशीन रखी हुई, इस पर जाकर आप खड़े हो जाओगे तो आपका वेट रीड करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ. लेकिन हमने क्या देखा कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो जो रीडिंग आएगी वो एम जी नहीं आएगी, एम इंटू जी प्लस ए आएगी. सो लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में जो इफेक्टिव वेट होगा, जो अपेरेंट वेट होगा, वो एम जी नहीं होगा बल्कि एम इंटू जी प्लस ए होगा. दिस इज योर अपेरेंट वेट. समझ में आया? यस सर. दोनों में रिजल्ट अल्टीमेटली सेम आ रहा है, पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अंतर, थोड़ा सा अलग है, ठीक है. तो इस m into g plus a को हम लोग apparent weight कहते हैं, ठीक है. अब देखो physics है, उसमें भी खास तौर से mechanics है. Mechanics में अगर कोई चीज समझ में exactly concept नहीं आ रहा ना, तो जिस situation के बारे में बात कर रहा है उस situation में अपने आप को imagine करना चाहिए, और उसमें भी थोड़ा सा extreme case के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है. थोड़ा से extreme case के बारे में सोचना चाहिए. तो इमेजिन करिए कि आप एक लिफ्ट में खड़े हो, सुपर लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ बहुत हाई एक्सेलरेशन से जाती है, बहुत हाई एक्सेलरेशन से. तो इमेजिन करिए आंखें बंद करके कि आप एक लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट सडनली बहुत तेजी से ऊपर चली गई, बहुत तेजी से. क्या होगा, एकदम से इमेजिन करने की कोशिश करिए, क्या आपको आपके पैरों पे बहुत जबरदस्त प्रेशर फील होता हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर, नीचे की तरफ लग रहा है ना. हाँ. मतलब आपको फिजिक्स पता है, बस उसको मैथ्स में कन्वर्ट करने की देर है. हाँ सर. आया ना? Can you imagine this?
कि हाँ घुटनों पे जोर पड़ रहा है, पैरों पे जोर पड़ रहा है, अगर लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर एक्सेलरेट कर जाएगी सडनली तो लग रहा है टूटने वाला है पैर। नहीं कर पा रहे इमेजिन? कर पा रहे सर, कर पा रहे, कर पा रहे सर। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आपका वेट जो है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन। अच्छा, इसको कॉपी किया आप लोगों ने कि नहीं किया? कॉपी कर लो। कर लिया सर कॉपी। सर ऊपर वाला पार्ट एक बार दिखाइए ना। कुछ है ही नहीं ऊपर वाला। हां सर कॉपी कर। बस टॉपिक है अपेरेंट वेट इन लिफ्ट। सर हो गया। हो गया? यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट हैपेंस इफ एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज डाउनवर्ड्स। एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट अगर नीचे की तरफ है तब क्या होगा? देखो भाई कुछ नहीं होगा। मैं इसको लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में ही सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में तो आप सॉल्व कर ही लोगे, आई होप कर लोगे ना। लिफ्ट नीचे जा रही है एक्सेलरेशन ए से और हम रेफरेंस ऑफ लिफ्ट में है। ठीक है, इसके अंदर ये वेइंग मशीन है, उस पे ये आदमी खड़ा है, ठीक है, जिसका मास m है। तो क्या होगा इस आदमी के साथ, इस आदमी पर नीचे फोर्स लगेगा स्मॉल mg, ऊपर लिफ्ट ऊपर ही वेइंग मशीन फोर्स लगाएगा नॉर्मल, और क्योंकि हम रेफरेंस फ्रेम ऑफ लिफ्ट में है, डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम में है, इसलिए इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स m है। हाँ या ना? यस सर। यस। तो और क्योंकि लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में ये आदमी रेस्ट पर है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ नॉर्मल प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू एम इन टू जी माइनस ए। आया ना? यस सर। आप यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो वेट कम हो गया है। आया ना? हाँ सर। अब सोचो जरा, जस्ट सोचो, नॉर्मल आपका m इंटू जी माइनस ए है ना। सोचिए आप लिफ्ट के अंदर बैठे हो, इमेजिन करो लिफ्ट बैठे नहीं हो, खड़े हो, और लिफ्ट सडनली बहुत तेजी से नीचे गिरने लग जाएगी, बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट करने लग जाए नीचे की तरफ, क्या लगेगा? डर लगेगा? डर लगेगा? हाँ। नहीं नहीं, नालायक हो, बहुत तेज डर लगेगा बेटा, मर जाओगे। डर लगेगा क्यों? ध्यान दो, डर लगेगा, चुप रहो यार। डर लगेगा क्यों? क्योंकि वेट कम फील होगा। ये क्यों बताता हूं, जब भी आपको वेट कम फील होगा ना, आपको डर लगेगा, खास तौर से इस तरीके के केसेस में। अगर पानी के अंदर जाने की वजह से वेट कम फील हो रहा है तो वो अलग तरीके का बंदा है, वो बाहर से फोर्स लग रहा है। अगर ओवरऑल हर एक पार्टिकल के ऊपर वेट कम हो गया ना आपकी बॉडी का, तो आपको डर लगेगा। ये जरूरी है आपके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के लिए, ताकि अगर आप, क्योंकि ऐसा क्या होता है, आपको वेट कम कब फील होता है? जब आप गिर रहे होते हो, ठीक है, जब आप गिर रहे होते हो तब वेट कम फील होता है। तो इसीलिए जैसे आपको अपना वेट कम फील होता है, आपको डर लगता है और आपकी बॉडी तुरंत एक्ट करती है गिरने से बचने के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ये आपके अंदर प्रोग्राम्ड है, अगर नहीं प्रोग्राम्ड है तो गिर के मर जाओगे कभी किसी दिन। ठीक है, आपके अंदर प्रोग्राम्ड है कि अगर आपका वेट कभी आपको कम फील होगा तो आपको डर लगेगा ही लगेगा। ठीक है बेटा? यस सर। अगर इस केस में एक्सीलरेशन ग्रेविटी से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? अभी बाकी है, अभी आ रहे हैं वहां पे, कांटेक्ट लूज कर जाएगा। नाउ इमेजिन दिस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जी, तो आपका वेट क्या हो जाएगा? जीरो। आपका वेट कितना हो जाएगा? जीरो। इफ दिस एक्सीलरेशन इज equal to g, तो वेट कितना, equal to g, तो वेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो ये भी लिख देते हैं, if a equals to g, then weight equals to zero, है ना? आप वेटलेस फील करोगे, आपको बहुत जबरदस्त डर लगेगा। इट विल बी लाइक आप बिल्डिंग से कूद गए हो, ठीक है?
आपको उतना ही डर लगेगा जितना कि बिल्डिंग से कूदने के बाद गिरते वक्त डर लग रहा होगा। क्यों? आप अभी भी तो एक्सेलरेशन जी से नीचे जा रहे हो। यस सर। हाँ सर। मजेदार बात तब होगी कि व्हाट इफ एक्सेलरेशन ए इज ग्रेटर देन जी। अगर एक्सेलरेशन ए जी से बड़ा हो जाए, लिफ्ट का एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जी से बड़ा हो जाए, तो वेट क्या हो जाएगा? नेगेटिव? नहीं, वो तो नहीं हो सकता ना। नॉर्मल फोर्स को भी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं सर। मतलब क्या हो गया? कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा, कॉन्टैक्ट विथ फ्लोर ब्रेक्स। लेकिन हाँ, जो कैमरा लिफ्ट के साथ फिक्स्ड है, जो सीसीटीवी कैमरा लिफ्ट के ऊपर फिक्स्ड है, वो क्या देखेगा? उसके रेफरेंस में आपके ऊपर आपका जो वेट है वो नेगेटिव हो चुका है, मतलब आपके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा है, सूडो फोर्स ज्यादा हो गया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन का एमजी कम हो गया है, इसलिए उस कैमरा के रेफरेंस में आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे और जाकर कैमरा के रेफरेंस में, ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पे, कैमरा के रेफरेंस में आप छत पे गिरोगे, ऊपर गिरोगे। हाँ सर। समझ में आया? हाँ हाँ। ग्राउंड से अगर आपको देखा जाएगा तो क्या होगा? आप नीचे गिरोगे जी से, छत ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे आएगी ए से, और छत ऊपर से आपको आके हिट करेगी। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर एक्सेलरेशन जी से बड़ा होगा तो वेट, ये जो इक्वेशन है ये किसी काम की नहीं बचेगी, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कॉन्टैक्ट विद फ्लोर विल ब्रेक एंड यू विल फॉल अपवर्ड्स। कितना अच्छा है ना सेंटेंस, यू विल फॉल अपवर्ड्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे सब लोग। कॉपी हुआ? यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, अब आप लोग एक काम करिए, करिएगा, अभी नहीं करना है। आप लोगों को प्रोजेक्टाइल बोल रहा हूँ, रिलेटिव मोशन जो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी मैंने मोशन इन लिफ्ट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर। उसमें बताइए, जब लिफ्ट ऊपर जा रहा था एक्सेलरेशन ए से, तो जी की इफेक्टिव वैल्यू कितनी थी उसके रेफरेंस फ्रेम में? जी प्लस है। और जब नीचे जा रहा था तो जी माइनस है। समझ में आया? यहाँ पे भी सेम आ रहा है अपेरेंट वेट में भी। ठीक है, सो रेफरेंस फ्रेम सब कुछ है भाई, इतना समझ लो। जब मोशन के बारे में बात हो रही है, फोर्स मोशन को ही तो डिफाइन करने के लिए आया ना, मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आया ना फोर्स हम लोग। तो जब मोशन के बारे में बात हो रही है तो रेफरेंस फ्रेम ही सब कुछ है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यस यस सर। ये एग्जांपल देखिए, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ए ऑफ द वेज सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज। क्वेश्चन क्या देखा, ये आपके पास एक वेज है, इंक्लाइन प्लेन नहीं है, वेज है। इंक्लाइन प्लेन और वेज में फर्क क्या होता है? व्हेन वी से इंक्लाइन प्लेन, वी मीन दैट द प्लेन इज फिक्स्ड। एंड वेज में क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो एक बस ये ब्लॉक है, ट्रायंगुलर भी ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर होने की वजह ट्रायंगुलर है, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक स्लाइड कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए से। ये पूरा का पूरा ब्लॉक आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए, ब्लॉक मतलब वेज आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रखा हुआ मास एम का, हमें बताना है कि इस एक्सेलरेशन ए की वैल्यू कितनी हो
सो दैट ये ब्लॉक इस वेज के ऊपर स्लाइड ना करे, हमें अज्यूम करना है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो हमें सॉल्व करना आता भी नहीं है अभी तक। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया? अबे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। सॉल्व करो। हाँ देखते, सही आंसर आपका। देखो क्या करेंगे, इस वेज का एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है, अगर हम चाहते हैं कि ये ब्लॉक इस के ऊपर स्लाइड नहीं करे तो ग्राउंड के रेफरेंस में हमें चाहिए कि जितने एक्सेलरेशन से ये वेज आगे जाए उतने ही एक्सेलरेशन से ब्लॉक भी आगे जाए, हाँ या ना? तो ग्राउंड के रेफरेंस में क्या हो रहा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है, इस पे फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स, है ना? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये वाला एंगल भी थीटा होगा। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? कैसे निकलेगा, ये थीटा तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा, ये 90 डिग्री माइनस थीटा तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री माइनस थीटा, इसलिए ये वाला एंगल थीटा। कोई दिक्कत? अब क्या लिखेंगे, अगर हम आगे की तरफ एक्स एक्सिस और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस बना लें तो हम लिखेंगे नॉर्मल फोर्स इधर लग रहा है उसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, इधर की तरफ आएगा एन कॉस थीटा, इधर की तरफ आएगा n sin थीटा, नीचे आएगा mg और इसका एक्सेलरेशन आएगा x डायरेक्शन में a। तो इसलिए अगर मैं x डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ तो मुझे मिलेगा n sin थीटा इज इक्वल टू एम ए, और अगर मैं y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखता हूँ तो क्योंकि y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए n cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, या फिर n cos थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलरेशन ए, हमें क्या नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए, जी पता है थीटा पता है, तो अननोन्स क्या क्या है, नॉर्मल और एक्सेलरेशन ए। नॉर्मल नहीं चाहिए, नॉर्मल को एलिमिनेट करेंगे, कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आएगा कितना टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू जी टेन थीटा। ठीक है बेटा, ये तो हो गया ग्राउंड के रेफरेंस में इक्वेशन सॉल्व, फटाफट सब लोग कॉपी कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सर n sin थीटा इज इक्वल्स टू माइनस m a नहीं होगा? कैसे बेटा, this n sin theta is providing for this acceleration, right? n sin theta is the cause for this acceleration, force is equal to mass into acceleration. ठीक है सर, है ना? ओके सर।
सर ओके अगला फिर देखते हैं वेज के रेफरेंस में क्या हो रहा है. वेज आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से और उसके रेफरेंस में क्या होगा ब्लॉक के ऊपर mg तो लगना ही लगना है. नॉर्मल फोर्स तो लग ही रहा था ऑब्वियसली. और क्योंकि वेज आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से इसलिए उसके रेफरेंस फ्रेम में सारे ऑब्जेक्ट्स पे उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा सुडो फोर्स एम ए है ना. ये एंगल तो थीटा था ही था. कोई दिक्कत है इसमें. अब मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक्स अपवर्ड डायरेक्शन को वाई मानकर क्या करूंगा नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर लूंगा ऊपर की तरफ एन कॉस थीटा आगे की तरफ एन साइन थीटा. अब हम एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं क्योंकि हम वेज के रेफरेंस में हैं वेज के रेफरेंस में ये ब्लॉक रेस्ट पर है ठीक है. ब्लॉक इज एट रेस्ट क्योंकि हम वेज के रेफरेंस में ये हमें क्या चाहिए वेज के ऊपर स्लाइड ना करे राइट मतलब ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा. तो एक्स डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा एक्स डायरेक्शन में देखने को मिलेगा कि एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए है ना एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए. और वाई डायरेक्शन में क्या देखने को मिलेगा एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी है ना. एक्स डायरेक्शन में एन साइन थीटा एम ए को बैलेंस किया वाई डायरेक्शन में एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस किया तो इक्वेशन वही दोनों बनी जो पिछली बार बनी थी तो आंसर भी वही आएगा. बस एक्सप्लेनेशन डिफरेंट है इक्वेशन तो सेम ही बनती है ठीक है बेटा. कोई दिक्कत सर सर सोच नहीं पा रहा कि दोनों अगर सेम एक्सेलरेशन से जाएगा तो कैसे. जस्ट इमेजिन दिस कॉपी हो गया पहले सबका. यस सर जस्ट इमेजिन दिस हमें क्या चाहिए कि ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज ये कंडीशन मीट करनी है ना. मतलब कि ब्लॉक एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेज आया ना. ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे कब रहेगा जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम हो दोनों की वेलोसिटी हमेशा सेम हो दोनों का एक्सेलरेशन हमेशा सेम हो. बेसिकली क्या होगा ये वेज भी आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से ये ब्लॉक भी आगे जा रहा है एक्सेलरेशन ए से और दोनों हमेशा चिपके हुए हैं. थोड़ी देर बाद देख लो क्या मिलेगा ये वेज यहां पहुंच चुका है ये ब्लॉक यहां पहुंच चुका है. स्लाइडिंग थोड़ी ना हुई है वेज और ब्लॉक के बीच में हुई क्या नहीं समझ में आया. जितना डिस्प्लेसमेंट वेज का हुआ उतना ही डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का हुआ इसलिए जितनी वेलोसिटी वेज की होगी उतनी वेलोसिटी ब्लॉक की होगी जितना एक्सेलरेशन वेज का होगा उतना एक्सेलरेशन ब्लॉक का होगा. ठीक है अब समझ में आया. यस सर यस सर जिसने पूछा था पहले वो उससे पूछ रहा हूँ मैं. यस सर चलो अगर हमें चाहिए कि दोनों चिपके रहें तो मतलब क्या है दोनों के का मोशन सेम टू सेम होना चाहिए दोनों का एक्सेलरेशन सेम टू सेम होना चाहिए दोनों की वेलोसिटी सेम टू सेम होनी चाहिए. ठीक है
ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और करो, मैं दे रहा हूं आपको। इसी के जैसा क्वेश्चन है, ये वेज है, एक्स थीटा एंगल का, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ये दोनों कांटेक्ट में, बट मैं अपने तरफ से जब भी डायग्राम बनाता हूँ कोशिश करता हूँ कांटेक्ट नहीं बनाने की, ताकि नॉर्मल फोर्सेस आराम से मैं ड्रॉ कर पाऊँ। ठीक है, ये मेरा अपना टेक्निक है क्वेश्चन सॉल्व करने का, फ्री बॉडी डायग्राम मेरे को ईजिली दिखता है। फिर इसका एक्सेलरेशन इधर है ए, तो पूछा है फाइंड ए सच दैट ब्लॉक कैन अंडरगो फ्री फॉल। या बोलना चाहिए मिनिमम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जिससे कि ब्लॉक फ्री फॉल कर पाए। कर रहे क्या? इफ यू हैव द आंसर प्लीज टाइप। सही है शुभायन आपका आंसर। देखो इसको ना वेज के रेफरेंस में सॉल्व करना काफी आसान पड़ेगा, ग्राउंड के रेफरेंस में भी सॉल्व होता है, पर उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी आपको नहीं आता है, वो हम वेज कंस्टेंट के बात करेंगे। अभी इसको मैं ग्राउंड के रेफरेंस में, सॉरी वेज के रेफरेंस में सॉल्व करता हूँ। वेज रेफरेंस फ्रेम, वेज के रेफरेंस फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो ब्लॉक है उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ नॉर्मल फोर्स, और इधर की तरफ एम ए, यही ना फोर्सेस लग रहे होंगे।
और ये फ्री फॉल करे फ्री फॉल का मतलब है नॉर्मल फोर्स शुड बी जीरो. फ्री फॉल का मतलब क्या सिर्फ एमजी लगना चाहिए ना. अगर हम ग्राउंड के रेफरेंस में देखें तो क्या क्या फोर्स लग रहा है नीचे एमजी इधर नॉर्मल फोर्स और तो कोई फोर्स है नहीं. तो फ्री फॉल के लिए क्या जरूरी है कि नॉर्मल फोर्स हो जाए जीरो है ना. तो हमें इस सिचुएशन में नॉर्मल फोर्स चाहिए जीरो. कोई दिक्कत और आपका वेज है ऐसा थीटा एंगल पर है ना. यही है ना सिचुएशन यही है ना सिचुएशन. यस सर. मतलब देखिए ब्लॉक वेज के रेफरेंस में ब्लॉक सीधे नीचे तो जा नहीं सकता. जाएगा कैसे ऐसे. इस एक्सेलरेशन को मैं बी बोल दे रहा हूँ. बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज. ठीक है. तो क्या होगा mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. इधर लगेगा कितना mg साइन थीटा. इधर लगेगा कितना mg कॉस थीटा है ना. कोई दिक्कत. अच्छा ये करने की जरूरत नहीं है. mg के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है. अच्छा एक सेकंड वापस कर लो मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया. ठीक ही कर रहा था मैं. नीचे लग रहा है कितना mg. इधर लग रहा है नॉर्मल फोर्स. ठीक है. इधर लग रहा है ma. इधर इसका एक्सेलरेशन है b. तो mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे. इधर की तरफ हो जाएगा mg साइन थीटा. इधर हो जाएगा mg cos थीटा. ma का भी कंपोनेंट करना पड़ेगा. इधर की तरफ ma cos थीटा. इधर की तरफ ma साइन थीटा. तो मैं एक बार वापस से डायग्राम बना दे रहा हूँ. कंपोनेंट फॉर्म में सिर्फ फोर्स लिख दे रहा हूँ. इधर की तरफ लग रहा है कितना mg sin theta plus ma cos theta. इधर की तरफ लग रहा है कितना mg cos theta. इधर की तरफ ma sin theta और नॉर्मल. और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है b है ना. कोई दिक्कत है इसमें. दिस इज द सिचुएशन जहां पर जस्ट फ्री फॉल होगा. मतलब इसके हाथ कोई नॉर्मल फोर्स नहीं रखना चाहिए. तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा जीरो. तो अगर मैं नीचे की तरफ x और इधर की तरफ y ले लूं नॉर्मल की तरफ तो क्या लिखूंगा. y डायरेक्शन की इक्वेशन में एक बार में आंसर आ जाएगा एम ए साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा एज नॉर्मल फोर्स इज जीरो. This implies A is equal to G upon tan theta. Answer. ठीक है. मुझे पता है थोड़ा सा confusing है आप लोगों के लिए but एक बार जब हम wedge constant पढ़ लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. इसको आप सर अगर question दिखाइए ना. Question ये है कि इस wedge को पीछे कितना acceleration से खींचूं so that ये block free fall कर पाए. ग्राउंड रेफरेंस में अगर आप जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक हो जाओगे उस वक्त इजीली ही इसको सॉल्व कर पाओगे. बट अभी क्योंकि आप ग्राउंड रेफरेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लायक नहीं हुए हो क्योंकि आपको वेज कंस्टेंट लिखना नहीं आता इसलिए हम वेज के रेफरेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व किए. और क्या किए हमने बोला कि वेज के रेफरेंस फ्रेम में ये नीचे तो जा नहीं सकता. लिमिटिंग केस में क्या होगा
वेज के रेफरेंस में क्या होगा, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा एम ए, अगर इसका मास एम है तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा एम ए, और ये जो फोर्स एम ए है इसकी वजह से नॉर्मल फोर्स थोड़ा डिक्रीज होगा। हम उस लिमिटिंग केस को निकाल रहे हैं जहां पे नॉर्मल फोर्स जस्ट जीरो होता है। क्या होगा जब आप फोर्स इधर लगा रहे होगे तो ब्लॉक वेज के रेफरेंस में तो इधर ही जाएगा ना। मान लीजिए वेज फिक्स्ड है, आप इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हो एम ए, तो एक्सेलरेशन तो इसका बी इधर ही होगा ना वेज का, ब्लॉक का। ए को बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा और नॉर्मल फोर्स डिक्रीज होता जाएगा। लिमिटिंग केस में क्या होगा, जब नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा उसी को फ्री फॉल कहेंगे ना, क्योंकि फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, एमजी के अलावा कोई और फोर्स नहीं लग रहा है। एमए तो सुडो फोर्स स्क्वायर, ये तो हम ला रहा नकली फोर्स स्क्वायर है, चिंता नहीं करनी, बस नॉर्मल फोर्स को जीरो करना है। ठीक है, तो एमए इधर लग रहा है, क्या होगा इसकी वजह से ये एक्सेलरेशन इधर आ रहा है, एमजी की वजह से भी आ रहा है, एमए की वजह से भी आ रहा है, बट एमए की वजह से नॉर्मल फोर्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए, वही हमारा लिमिटिंग केस है, उसी को सॉल्व करना है। ये एक्सेलरेशन तो इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही है पर नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाए, तो मैंने वही सिचुएशन बनाई, एक्सेलरेशन को इसी डायरेक्शन में लिया बी, पर इधर नॉर्मल फोर्स को जीरो कर दिया, एम ए साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है बेटा, मैं जनरल केस पे भी जा सकता था पर मैं लिमिटिंग केस में सॉल्व किया क्योंकि लिमिटिंग केस में सॉल्व करना आसान पड़ता है। ठीक है, जनरल केस में क्या है, थोड़ा और एक दो और कंपोनेंट्स करने पड़ जाएंगे, और कुछ नहीं है। कोई दिक्कत? नो सर। या फिर हम इसको अभी अगर समझने में दिक्कत हुई तो एक काम और कर सकते थे, हम बोलते अभी कॉन्टैक्ट छोटा नहीं है, लेट से अभी फ्री फॉल नहीं कर रहा है, अभी कॉन्टैक्ट में बस जा रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा इक्वल टू mb, और ma sin थीटा प्लस नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल टू जीरो। ये लिखते ना, क्या लिखते, ma sin थीटा प्लस नॉर्मल माइनस mg cos थीटा इक्वल टू जीरो, ये होता है y डायरेक्शन की इक्वेशन। ये क्या है, बिफोर लीविंग कॉन्टैक्ट है ना, दिस इज बिफोर लीविंग कॉन्टैक्ट, मतलब फ्री फॉल नहीं हो रहा है। फ्री फॉल कब होगा, जब कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, नॉर्मल फोर्स जीरो हो जाएगा है ना। देयरफॉर फॉर फ्री फॉल हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फोर्स को जीरो करेंगे, दिस इंप्लाइज जैसे आप नॉर्मल फोर्स को जीरो करोगे आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा जी अपॉन टेन थीटा, यही आपका आंसर है। ठीक है, कोई आपत्ति? नो सर। ओके, तो इसको कॉपी कर ले सब लोग। क्वेश्चन सबने कॉपी कर लिया होगा, सॉल्यूशन कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ से क्या वेज रिलेशनशिप में लिखना, उसको कॉपी तो यहीं से करना है। ये वाला कॉपी मत करना। चलो, क्लास का टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़े थे उसका प्रॉपर मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद वेज कंस्ट्रेंट के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट कुछ क्वेश्चंस तो जरूर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। फिर सर, डाउट क्लियरिंग क्लास संडे को कब रखेंगे? संडे को देखो, मैं अभी टाइम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं संडे को रखने का मेरा पूरा प्लान है बट एक इश्यू आ रखा है, मतलब मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, शायद मुझे संडे को आउट ऑफ सिटी जाना पड़ जाए एक दिन के लिए। ठीक है, अगर मैं नहीं गया तब तो मैं संडे को क्लास रख लूँगा, उसका टाइम आपको बता देता हूँ। अदरवाइज मतलब हो सकता है कि संडे क्लास ना हो पाए बट मैं कोशिश करूँगा क्लास लेने की, अगर नहीं भी हो पा रही होगी मुझसे क्लास तो मैं इवनिंग में ले लूँगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब अगर मैं इवनिंग तक लौटने का प्लान बना पाता हूँ लेट से,
तो मैं इवनिंग में क्लास ले लूंगा, अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मॉर्निंग में क्लास ले लूंगा, इसलिए मैं लेट आपको सैटरडे को इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके okay? थोड़ा सा थैंक यू सर, थोड़ा सा इशू चल रहा है उसके लिए देखना पड़ेगा, ठीक है बेटा? चलो अभी के लिए क्लास ओवर है, थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर।